हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्ल। हम आपके होस्ट, आपके दोस्त रॉय। दोस्तों, आपको मालूम है वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज 6। आज की टॉपिक है सीरीज 6 है दोस्तों, लाइंस एंड एंगल्स। ये है एपिसोड नंबर 11। और दोस्तों, आज हम प्रूव करेंगे द थियरम दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। आपको मालूम है दोस्तों, हमने लास्ट मैनी एपिसोड्स में वी हैव बीन टेकिंग वन थियरम and then we are actually going and proving those theorems. So dosto, we hope that you have been following us along and aapne dekhi ab tak all of the different theorems that we have proved. So aaj dosto, we are going to prove this particular theorem. So dosto, the theorem basically what it is stating is this: if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to sum of two interior opposite angles. ना दोस्तों, आपको मालूम है, चलिए एक ट्राइंगल लेते हैं ऐसे करके। लेट्स ड्रॉ अ ट्राइंगल। सो चलिए, लेट अस कॉल दिस एज ए बी सी। ना दोस्तों, अभी अभी हमने जो आपने लास्ट एपिसोड देखी है, वी टॉक्ड अबाउट हाउ द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज। ना दोस्तों, आप नोटिस करोगे जब कभी हम कहते हैं एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, वी ऑलवेज आर रेफरिंग टू दीज एंगल्स जो कि ट्राइंगल के अंदर है। सो दिस थ्योरम इज टेलिंग अस दोस्तों, दिस इज द थ्योरम नंबर 8। दिस थ्योरम इज टेलिंग अस दोस्तों दैट मान लीजिए कोई भी एक साइड को आप अगर एक्सटेंड करते हो। चलिए, लेट अस एक्सटेंड द साइड बी सी। अगर इस साइड को आप ऐसे करके, इफ यू एक्सटेंड द साइड लाइक दिस एंड मान लीजिए यहाँ पे लेट अस टेक अ पॉइंट कॉल्ड डी। देन दोस्तों, ये जो अभी एंगल बनती है ए सी डी, दैट इज दिस एंगल, यहां से ये जो एंगल बनती है दोस्तों, चलिए दिस एंगल ए सी डी, ये है दोस्तों एक्सटीरियर एंगल। क्यों ये एक्सटीरियर एंगल है दोस्तों? द रीजन इट इज एन एक्सटीरियर एंगल इज बिकॉज क्लियरली ये एंगल दोस्तों, इट इज नॉट इनसाइड द ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी के अंदर की जो एंगल्स है, दे आर कॉल्ड द रेगुलर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल ए सी डी, ये जो एंगल है, दिस इज आउटसाइड द ट्राइंगल एंड सो एक्सटीरियर एंगल। सो द थ्योरम स्टेट्स दोस्तों कि ये जो ए सी डी है, दिस शुड बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। सो दिस शुड बी इक्वल टू सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। वाई एंगल ए एंड एंगल बी दोस्तों, बिकॉज अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, देन दीज आर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। मतलब आप, यू विल नॉट टेक एंगल सी जिसपे ये एक्सटीरियर एंगल है, सो यू विल टेक द अदर टू इंटीरियर एंगल्स, राइट। सो सिमिलरली दोस्तों, अगर आप, इफ यू वुड हैव एक्सटेंडेड ए सी इन दिस फैशन ऊपर के तरफ, देन यहां पे जो एंगल बनती है आपको, सो दैट शुड बी इक्वल टू बी प्लस सी, सो लाइक दिस। सो दोस्तों, इसे वी हैव टू प्रूव इट। Now we saw what the theorem is। और अगर हमारे पास ऐसे करके एंगल है, ऐसे करके ट्राइंगल है A, B and C, then what we have to do is that हमें we have to extend BC to a point something like this, and then we have to prove that angle ACD is equal to angle A plus angle B। एंड दोस्तों, जैसे हमने अभी भी कहा कि यू कैन एक्सटेंड एनी ऑफ द साइड्स। ये जरूरी नहीं है कि आप BC को ही एक्सटेंड कीजिएगा, यू कैन एक्सटेंड एनी ऑफ द थ्री साइड्स एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक दैट एक्सटीरियर एंगल एंड द अदर टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, राइट। ना एक काम करते हैं दोस्तों, नाउ लेट अस गो अहेड विद द एक्चुअल प्रूफ ऑफ इट, राइट। सो हमारे पास ट्राइंगल एबीसी ऐसे करके दी गई है। सो व्हाट वी डू दोस्तों इज दैट वी एक्सटेंड दिस एंड यहाँ पे भी टेक अ पॉइंट कॉल्ड डी। सो हम लिखते हैं दोस्तों, बेसिकली वी आर गिवन अ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी। सो एंड देन दोस्तों, यहाँ पे हम कहते हैं साइड बीसी इज एक्सटेंडेड एज शोन इन द फिगर टू पॉइंट डी, मान लीजिए, राइट। एंड अभी हमें टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूफ दैट एंगल ए सी डी ACD जो कि आपकी ये एंगल है इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B, ये दोनों एंगल. So this is what we have to prove. चलिए दोस्तों, now we are actually going to do our proof. Now आप देखोगे दोस्तों एक चीज, लाइन BCD इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट? सो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर यू हैव अ रे CA. सो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों दैट एंगल ACD प्लस एंगल C, चलिए इसे कहते हैं एंगल C. सो ACD एंड एंगल C is equal to 180 degrees, right, from our linear pair axiom, because BCD is a straight line and CA is a ray standing on the straight line. So sum of these two linear angle is equal to 180 degrees. चलिए इसे कहते हैं condition 1. ना दोस्तों, अभी हमारे last presentation में, last webisode में जो we have seen that basically sum of three angles of a triangle is 180 degrees, right? So because ABC is a triangle, हमें मालूम है that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees, right? Because sum of three angles of a triangle is 180 degrees. यह है हमारी equation 2. Now दोस्तों, from equation 1 and equation 2 आप देखोगे हम ये कह सकते हैं that ACD प्लस एंगल C जो है 180 डिग्री कैन बी रिटन एज इक्वल टू दिस, राइट? बिकॉज ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है. मतलब सम ऑफ दिस इज 180 एंड सम ऑफ दिस इज 180. इसका मतलब है ये सम इज इक्वल टू द सेम सम, राइट? और वी कैन से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C. सो यहां से दोस्तों एंगल C को अगर आप इफ यू टेक आउट एंगल C, so what we have is we have angle ACD. ACD is equal to angle A plus angle B. So हमने देखा दोस्तों ACD जो हमारी एक्सटीरियर एंगल थी is equal to angle A plus angle B. Now दोस्तों let us go ahead and show you how, अगर आपको इसे टेस्ट में लिखनी है, how you actually write it step by step. We have a triangle ABC, say triangle ABC as shown in the figure. We need to prove that exterior angle formed by extending any one of the side is equal to sum of other interior opposite angles. Abhi yahan pe dosto we do a construction, right? So let us say we extend BC to D as shown in the figure. Now we need to prove that ACD is equal to BAC plus ABC. ये हमें prove करनी है. Now we actually start the proof. We know that BCD is a straight line by construction. So ACD plus ACB is equal to 180 degrees by linear angles axiom. Now in triangle ABC we know that the sum of all interior angles is 180 degrees, right? So also from 1 and 2 we get that ACD is equal to angle B plus angle A and hence it is proved. So दोस्तों, hopefully you have been following us along. अगर आपको कोई question है, if you have any clarification that you need, feel free to let us know and we will be more than happy to answer those for you. अगले presentation में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद.